हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीआई एपीपी की क्वेश्चन पेपर के आंसर की। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ये आंसर सीट जो है, जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये एक प्रोविजनल आंसर की है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो सके, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और बाकी के कैंडिडेट्स भी डिस्कस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेट के साथ। तो ये जो हम सेट डिस्कस करने वाले हैं वो सेट बी है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था ये था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट ओनली। तो इसका राइट आंसर हमारे पास था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्स पावर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्सरसाइज एट हिज प्लेजर द सेम हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट द पावर टू। तो इसका जो आंसर है 90% चांसेस इज ऑप्शन नंबर सी, बट 10% चांसेस आर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अनक्लियर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बट सी 90% चांस है कि सी ही इज ऑप्शन हो आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर द स्टेट लॉ वुड बी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है, ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर सी तो वैलिड। इफ इन पीथ एंड सब्सटेंस द स्टेट लॉ वॉज कवर्ड अंडर एनी एंट्री इन लिस्ट टू ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो ऑब्जेक्शन में कि ये भी अनक्लियर है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिट ऑफ सर्शियररी कैन नॉट बी इशूड। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू डायरेक्ट अ पर्सन टू वैकेट द पब्लिक ऑफिस हेल्ड बाय हिम। ठीक है, तो ये सर्शियररी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ। तो ये जो आंसर है हमारा आंसर नंबर डी है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये है हमारा राइट आंसर। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसअलाउ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, ऑल कैबिनेट पेपर्स। ठीक है, फिर हमारा आता है अपना, जस्ट अ मिनट, या क्वेश्चन नंबर एट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो ये जो है आंसर ये है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ जज। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इज नॉट वायलेटेड इफ। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डॉरी डेट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC 1860 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आंसर। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें भी आप हो सकते हो, ये भी है कि एक नेसेसरीली कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, बट डी के जगह जो है ना वो भी कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1944 वो सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ। तो किसमें सेट असाइड हुआ था, इसका राइट आंसर है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए होल्ड्स जेट डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेट मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेट्स क्लॉथ विदाउट जेट्स कंसेंट, ए इज गिल्टी ऑफ। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉबरी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पनिशेबल विथ रिग्रस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर. ठीक है, फिर 15 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट. तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, 5 years इन केस ऑफ हाउस ऑफ पीपल विच कैन नेवर बी एक्सटेंडेड. ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया कैन नॉट मेक लॉज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन द यूनियन लिस्ट. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉज. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर. ठीक है, फिर 18 में आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर बाय लाइफ कंडक्ट अंडर 303 ऑफ IPC 1860 वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मिठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देर इज नॉट सफिशियंट ग्राउंड ऑन एविडेंस टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट एंड सर्च ऑफिसर शैल. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड कमिटेड विद इन वन ईयर इवन दो द टारगेटेड विक्टिम्स आर डिफरेंट ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर हाउ मेनी ऑफेंसेस. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अंडर द सेक्शन 125 ऑफ CRPC अ पर्सन हैविंग सफिशियंट मीन्स मे बी ऑर्डर टू पे मेंटेनेंस टू हीज लेजिटिमेट. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन हु इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ ओइंग टू सम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मैलिटी और इंजरी जिसमें नॉट इंक्लूडेड अ मैरिड डॉटर. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, when any unlawful assembly cannot be otherwise disposed and it is necessary to disperse it for public security, which of the following officers may cause it to be dispersed by the armed forces. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हु इज प्रेजेंट. ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन 145 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन डिस्प्यूट्स concerning land or water may cause breach of peace. The expression land or water for the purpose of the section include which of the following. तो इसके जो right answer है वो है option number हमारा D, building, market, fisheries, crop or other produce of land and rent or profit of such property. ठीक है, फिर हमारा next question है, medical examination of the victim of rape is valid only when it is done. तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, विद द कंसेंट ऑफ सच वुमेन और ऑफ अ पर्सन कंपिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर सेक्शन 227 ऑफ CRPC वेयर अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विद एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ बोथ द साइड द जज कंसिडर दैट देयर इज नॉट सफिशियंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अक्यूज ही शैल. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिस्चार्ज द अक्यूज. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट 5 ऑफ ईयर 2009 बाय अमेंडमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC. तो इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, सेक्शन 357A.
ठीक है। फिर 29 है, इन केस वेयर द अक्यूज प्लीड गिल्टी द मैजिस्ट्रेट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, ठीक है। फिर 30 हमें बता रहा है सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इंसर्टेड इन द ईयर 1986 डील विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो हमें बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलिवेंसी ऑफ टेस्टिमनी गिवन बाय एन एकम्पलिस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। फिर क्वेश्चन नंबर 32 हमें बता रहा है लीडिंग क्वेश्चन में भी आज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एविडेंट्री वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट कैन बी रिलाइड अपॉन टू द एक्सटेंट दैट इट बींग एडमिसिबल इन लॉ सपोर्ट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट द लैंड आफ्टर वार्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए, ए कैन नॉट बी अलाउड टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट ए एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्ट्रिन, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। फिर क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा है फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 6 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 36 हमें बता रहा है सर्टेन क्वेश्चन में बी परमिटेड टू बी आस्क्ड बाय कोर्ट और जजेस इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, दिस इज डील्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 165, ठीक है। फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ द विक्टिम, तो इसका राइट आंसर है शैल नॉट बी रेलिवेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप इज अ रेलिवेंट फैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डिटरमाइनिंग द मैरिटल स्टेटस ऑफ टू पीपल स्टेइंग टुगेदर सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर डी। देन 39 अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज इंजॉय एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल केसेस, दिस इज अ सो दिस इज अ इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, आई डोंट थिंक सो, तो आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं क्योंकि ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन भी मुझे डाउट में लग रहा है, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो क्लियर, ठीक है। फिर जो है हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोर्ट हैज़ नो पावर टू डिसाइड, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द वैलिडिटी ऑफ ए डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 41 हमें बता रहा है द सुप्रीम कोर्ट देन डिसाइड, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वेदर और नॉट फार्म लेजिस्लेशन पास बाय पार्लियामेंट इन 2020 डील विद ट्रेड और कॉमर्स ऑफ फूड स्टफ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 द सुप्रीम कोर्ट वॉज यूनानिमस इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री अंडर 497 ऑफ IPC, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए एंड डी में कंफ्यूजन है, तो आप ज़्यादा चांसेस हैं ए हो सकता है, बट आप इसमें भी एक बार चेक कर लेना, तो ये भी मैं एक डाउट में रखती हूँ आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 द स्टेट ऑफ तेलंगाना प्रिस्क्राइब
that the admission to all postgraduate courses in various medical colleges in the state, the applicant must be a resident of the state of Telangana. The rule is, तो इसका जो आंसर है ये भी थोड़ा डाउट में है, मुझे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है, तो आप जो है देख लेना, इसमें और भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जो राइट हो सकते हैं, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इफ अ स्टेट फेल्स टू गिव अफेक्ट टू एनी डिस्क्रिशन डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू इन्फोर्स द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 पास बाय पार्लियामेंट, द इफेक्ट वुड बी, तो इसका जो है राइट तो सी होना चाहिए, सी ही ज़्यादा चांसेस है, बट जो है इसका इस क्वेश्चन का आंसर बी भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा ये भी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, अ स्टेट कैन बी चैलेंज टू अ यूनियन टेरिटरी बाय फॉलोइंग विच प्रोसीजर, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी और डी में कंफ्यूजन है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर बी और डी में याद रखिएगा, बी और डी ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, तो डी ही मान के चलिए, फिर भी आप देख लीजिएगा बी है, लेकिन डी ही मुझे लग रहा है कि ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए है, द रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक सर्विस कैन नेवर एक्सीड 50%, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 48, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन इंटाइटल अ पर्सन टू रिफ्यूज गिविंग ऑफ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनड्यू डिले कैन नॉट बी ग्राउंड टू, क्या नहीं हो सकता है अनड्यू डिले, 49 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्वास क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कुलदीप विद अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ ल्यूनेटिक टू स्टैप हिज केयर टेकर, ही ऑल्सो सप्लाई अ नाइफ टू द ल्यूनेटिक इन फर्दरेंस ऑफ हिज इंटेंशन, द ल्यूनेटिक डज नॉट डू वॉट कुलदीप हैड आस्क हिम टू डू एंड मिसप्लेसेस द नाइफ, हियर कुलदीप वुड बी गिल्टी, तो द राइट ऑप्शन इज, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अबेटिंग द कमीशन ऑफ मर्डर, ठीक है। फिर 52 बोल रहा है, राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वीपन इज पनिशेबल विद, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म अप टू 3 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन टू और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर लाइबल फॉर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दे आर लाइबल फॉर एफरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54, हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रेप अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी शैल बी लाइबल टू पनिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 166A, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज ब्रदर इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड नेबर कपिल गेट कॉट अप समवेयर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एंड डज नॉट कम टू वोट, नीरज टेल्स द पोलिंग ऑफिसर डैट हिज नेम इज कपिल एंड कास्ट वोट्स कपिल्स वोट इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर, नीरज इज गिल्टी ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन नंबर 187, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, ये सारे आंसर्स जो मैं बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज है, ये हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको, अगर कोई क्वेश्चन के आंसर आपको गलत लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो,
और कोई अदर पर्संस भी रिप्लाई कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. ये हमें बता रहा है कैलाश मेक अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. कैलाश इज गिल्टी ऑफ, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58. करण हिट्स नितिन ऑन हिज हेड विद अ स्टिक सेवरल टाइम. नितिन फॉल्स अनकॉन्शियस एंड सकम्स टू हिज इंजरी आफ्टर 5 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. द डॉक्टर टेस्टिफाइज दैट द इंजरी टेकन कम्यूटेटिवली वेर लाइकली टू कॉज डेथ. करण वुड बी गिल्टी ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है. ठीक है, ही विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59. कबीर सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली पेनफुल टर्मिनल डिजीज बेक्स हिज वाइफ टू गिव हिम पॉइजन सो एज टू पुट एन एंड टू हिज पेन. ही रिलेक्टेंट सी रिलेक्टेंटली अग्रीज एंड गिव हिम पॉइजन लीडिंग टू हिज डेथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल प्रोपोजिशन ऑफ द केस. तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सी इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60. द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर विथ रिस्पेक्ट टू जजमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो तो मेरे हिसाब से द राइट आंसर शुड बी डी, बट बी भी हो सकता है, बट मैक्सिमम चांस है कि बी डी हो. ठीक है, मैक्सिमम चांस फॉर आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 61, वो बता रहा है व्हाइल एडजुडिकेटिंग ऑन द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इररिलेवेंट. ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, केयर एंड प्रिकॉशन टेकन इन प्रिवेंटिंग डेटा टू डैमेज. ठीक है, दिस इज इररिलेवेंट ऑप्शन. फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डेजिग्नेट एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज अ नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर्स इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. सच एजेंसी शैल बी कॉल्ड एज, तो ऐसे एजेंसी को हम कहते हैं नेशनल नोडल एजेंसी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63. द पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. द पब्लिकेशन इज फॉर वेरीफाइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्रिएट प्रायर टू सस्पेंशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64. एवरी डिसीजन अंडर आईटी एक्ट 2000 कैन बी चैलेंज्ड बिफोर. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, हाई कोर्ट बाय फाइलिंग एन अपील. ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 65. कंपाउंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रावेंशन इज इम्परमिसिबल अंडर आईटी एक्ट ऑफ 2000. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सिर्फ थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट आंसर है. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 66. एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर आईटी एक्ट 2000 हैज़, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वन ओनली. ठीक है, ये वाला ऑप्शन है. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67. द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वुड मीन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 2 and 3. ठीक है, तो 2 and 3 में क्या है, रिकॉर्ड मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रिकॉर्ड एसेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस. ठीक है, 2 and 3. फिर नेक्स्ट जो है हमारा 68. हु अमंग द फॉलोइंग शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकमेंडिंग द नेम ऑफ डायरेक्टर अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946. तो राइट आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 and 3. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द मैटर एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट ऑफ 1988. एंड थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एक्सरसाइज पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट वेस्टेड इन इट. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 and 3. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन. तो इनका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 ओनली. इनका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड. तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72, द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, फिर 73 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द टर्म पर्सन एज डिफाइंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी. इसमें भी तीनों ही आएंगे, 1, 2 and 3. ठीक है, तो तीनों आ रहे हैं, इंडिविजुअल, कंपनी एंड HUF. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम मे ऑर्डर द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर अ पीरियड. तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो है नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 75, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ पावर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर्स ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चेयरमैन एंड टू अदर मेंबर्स. ठीक है, फिर 77 आ रहा है हमारा, अंडर सेक्शन 42 ऑफ PMLA एक्ट 2002 एनी पर्सन अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टू कंडीशंस फॉर रिलीज ऑफ द अक्यूज ऑन बेल अंडर सेक्शन 45 क्लॉज 1 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 वेर हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, निकेश ताराचंद साह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. देन क्वेश्चन नंबर 80, एज पर सेक्शन 4 ऑफ PMLA एक्ट 2002, हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वेयर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग रिलेट्स टू एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ or party of the seduced shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to. तो इसका जो right answer है वो है हमारा option number B. ठीक है, 10 years and shall also be liable for fine. ये है हमारा right option. Next question is, birth during marriage is conclusive proof of legitimacy provided the child is born during continuance of a valid marriage or within a specified time period after its dissolution, the mother remaining unmarried, what is that specified time period. ठीक है, तो इसका जो right answer है ये option number C है,
280 days, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट द पावर ऑफ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ठीक है, तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तो ये 1 और 3. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि माइनर एक्ट्स से जो है क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, जो मैंने आपको अपने सीरीज़ के वक्त बताया था कि ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंस हैं, अपील के टाइम पीरियड एंड अथॉरिटीज़ जो हैं, कौन अपॉइंट करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, ठीक है, मेंबर्स कौन कौन होते हैं कमेटी में, ये सारे क्वेश्चन आए हैं जहाँ मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना. फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83. नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल बी इनवैलिड मेयरली बिकॉज ऑफ एनी. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर है बी, 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट, यानी कि वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इरेगुलरिटी इन द कमीशन्स प्रोसीजर नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस. तीनों जो हैं तीनों सही हैं. फिर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ पावर टू इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन बाय. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों हो सकता है, तो आप एक बार इसके लिए भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी आप डाल दीजिएगा. एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन द डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज और आर करेक्ट. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 बोथ. ठीक है, तो जो तो ये जो ऑप्शन है, ही इज़ अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी विच इंक्लूड्स ऑल विजिलेंस कमिश्नर एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. एंड जो सेकंड है ऑप्शन, ही इज़ ट्रांसफर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटिंग कमिटी, ये दोनों करेक्ट है. ठीक है, फिर 87 आता है, द पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आर दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट. तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2 only. ठीक है, तो 2 में क्या दे रखा है, कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 8 clause 1 सबक्लॉज सी एंड डी ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो जो इसका राइट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है. इस क्वेश्चन में भी मुझे कंफ्यूजन है, इसका डी ऑप्शन जो है वो भी मुझे करेक्ट लग रहा है, मे बी इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द पावर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन डज नॉट एक्सटेंड टू. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन टू एडजुडिकेट ऑन एंटी करप्शन मैटर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द टर्म पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये तीनों कवर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 कैन ट्राई इन अ समरी वे एन ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू कंट्रावेंशन ऑफ. तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 only. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग स्पेशल जज अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज करेक्ट. तो जो 92 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल सेशन जज. ठीक है, 93 पे आते हैं, व्हेन कैन इट बी सेड दैट द पब्लिक सर्वेंट हैज़ कमिटेड मिसकंडक्ट. ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये चारों ही मिसकंडक्ट में आते हैं. ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है 94, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इन पटना द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 95, ये हमें बता रहा है आइडेंटिकल पनिशमेंट हैज़ नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 इन रिस्पेक्ट ऑफ हैबिचुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो अगर इसका आंसर दिया जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है एंड ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ज़रा ऑब्जेक्शन ले लीजिएगा इसके रिगार्डिंग भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसमें हाई कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्पेशल जजेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 वेदर और नॉट ऑफेंसेस हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नॉट लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, ए स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही है करेक्ट आंसर इसके। फिर जो 99 है हमारा वो बता रहा है द ट्रायल प्रोसीडिंग्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 हैज़ बीन कॉन्टिन्यूड ऑन डे टू डे बेसिस अंटिल ऑल विटनेसेस इन द अटेंडेंस हैज़ बीन एग्जामिन बट द ट्रायल कोर्ट कैन अडजर्न द केस ऑन द ग्राउंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी और ए दोनों ही हो सकता है, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन ले लीजिएगा ज़रूर, और अगर आप अदरवाइज सोचते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 वाज स्ट्रक डाउन बाय डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2015। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ओवर रूल इट्स डिसीजन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा फ्रीडम टू हैव सेम सेक्स रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 104 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स फॉर 80 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर 104 है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रिजर्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये हमारा ऐड हुआ है। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट से। फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट एक्ट 2080 एंड इज एमिनेबल टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ रीट कोर्ट। ठीक है, 106 क्वेश्चन हमें बता रहा है, इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विच वॉट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन ऑफेंडर मे बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 मंथ्स का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108, ये हमें बता रहा है
R was walking with an axe, exercising due care and caution. Suddenly, the head of an axe flew and killed a man standing nearby. Which one of the following is the correct legal preposition in the case? तो इसका right option है option number D. R would not be guilty in any offences of any offences. ठीक है. फिर 109 है. Except in case of sexual offences, the consent of the child would be a valid consent in the eye of law when the child is above. तो इसका जो right option है वो option number 12 होगा. बट 16 भी हो सकता है, लेकिन 12 भी होगा, क्योंकि 83 के अकॉर्डिंग जो है, सेक्शन नंबर 83 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग 7 टू 12 ईयर मैक्सिमम होता है. तो 12 के अबव जो है वो राइट आंसर होगा. ठीक है. फिर 110 के इज इन अ हाउस विच इज़ ऑन फायर विद अ 3 month ओल्ड बेबी. पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट. के ड्रॉप्स द बेबी फ्रॉम द हाउस टॉप knowing it well that a fall may kill the baby. His intention was not to kill but in good faith and for the benefit of the baby. Unfortunately, the baby dies by the fall. Which one of the following is the correct legal proposition of the case? ठीक है. तो इसका जो right option है वो है option number D. तो K would not be guilty of any offences. ठीक है. फिर है 111. Normally, a warrant of arrest issued by a court under CRPC remain in force until. तो इसका जो right answer है वो है option number B. Is cancelled by the court which issued it. ठीक है. फिर है 112. The code of criminal procedure is a part of which of the following list of the constitution of India. तो इसका right answer है concurrent list, that is option number C. फिर है 113. Under the provision of CRPC, पुलिस रिपोर्ट जो है उसका मतलब क्या है? तो ये जो है ये है रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2, जिसको चार सीट भी बोला जाता है. फिर है 114 में सेक्शन 2WA ऑफ CRPC डिफाइंस विक्टिम एज अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय एनी रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच अक्यूज पर्सन हैज बीन चार्ज्ड एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स. तो इसमें जो है इंक्लूड करते हैं गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. फिर 115 है हमारा. लीगल एड टू एन अक्यूज एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 304 में हम जो है लीगल एड प्रोवाइड करती है स्टेट. ठीक है. फिर है 116. ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. बी वॉज अ ड्रग एडिक्ट. ये रेलिवेंट फैक्ट बिल्कुल नहीं है. फिर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 117. एनी फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव इज अ. तो वो क्या होगा? वो एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. 118 हमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कन्फेशन इज करेक्ट. तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इफ दे आर मेड टू अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन कस्टडी इट अनलेस इट बी मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. ठीक है. फिर हमारा है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल है. ऑप्शन नंबर सी, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है. लास्ट क्वेश्चन है हमारा. द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन हुम अमंग द फॉलोइंग. तो किस पे लाई करता है इस? ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, बट अगर देखो तो आप डी लगा सकते हो. अगर आपने सी भी लगाया तो भी राइट है, डी लगाया तो भी राइट है. तो दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट है, सी एंड डी. ठीक है. तो कोई भी अगर आपने लगाया तो ये राइट ही होना चाहिए. बाकी मैंने पूरे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हो सकता है, एज़ इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल आंसर की बाय UPSC. तो कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एज पर माय इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो अगर आपको कुछ करेक्शन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर सकते हो. एंड ज़रूर ऑब्जेक्शन लेना. जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, किसी में प्रॉब्लम है, तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लेना. मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑब्जेक्शन डालने की लिंक आपको दे दूंगी इस
सेशन के जस्ट बाद में आप उस पर जाके ऑब्जेक्शन ले सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है। एंड अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन इट, आपको सारे फर्दर इन्फॉर्मेशन उस पर ही मिलेंगे जो भी मैं डालती हूँ। फर्दर मैंने जो आपको पोल डाला है आप उस पर भी पोल पे वोट करो ताकि हमें समझ में आए, मैक्सिमम लोगों को समझ में आए कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो आप उस पर भी पोल पे भी वोट करो और ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लो ताकि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और मैं उसकी जो है मेरी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू।